छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी माहौल के बीच रक्षाबंधन का पर्व भी विशेष महत्व रखता है। मतदाताओं के लिए जागरूक करने के लिए बाजार में राखी बिकने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक संबल बनाने का पूरा मुहिम उन्हीं के हाथों में दे दिया है। स्वसहायता समूह की महिला चुनाई तिहार की थीम पर रक्षा सूत्र बनाती नजर आ रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आ गया है। इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बलरामपुर में स्वसहायता समूह की महिलाओं के द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार के लिए धागा, मोती, लाइट पेपर, कपड़े का टुकड़ा और कूट से रंग बिरंगी आकर्षक राखियां तैयार कर सी मार्ट के जरिए बिक्री किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष राखी भी बनाई गई है, जो बिक्री के लिए सी मार्ट में उपलब्ध है। आपको बता दें कि महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदान अवश्य करें की थीम पर विशेष प्रकार की राखी तैयार की गई है। इस तरह की थीम पर तैयार की गई राखी के जरिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग राखी बना रहे हैं हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, कम से कम 30-35 हजार का प्रॉफिट दिलाने का उम्मीद रखे हैं। और हमारा सी मार्ट के माध्यम से चुनई चिड़ई एक विशेष राखी हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं सी मार्ट के द्वारा हम लोग हर विभाग में राखी पहुंचाएंगे। मतदान को आकर्षित करने के लिए, मतलब आकर्षण करने के लिए हम लोग एक चिनई चुरई का एक राखी बना रहे हैं। धागा लगता है उसमें, मोती लगता है, मेहनत कर रहे हैं जो लगता है दिन भर का, इसको पर 10 सदस्य मिलकर बना रहे हैं। ये राखी को उसी मार्ग में बेचेंगे, रखेंगे और इसी के माध्यम से हम सरकारी जो कर्मचारी दीदी भैया लोग है उसको उसके उसके उस तक पहुंचाएंगे, मार्ग में रखेंगे। चिड़ई के माध्यम से हम लोग जो अभी नए मतदाता जागरूक करेंगे। बलरामपुर के सीमार्ट में गौठानों में समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियां बेचने के लिए लाया गया है। यहां 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की कीमत की राखियां उपलब्ध हैं। इन राखियों की डिमांड बढ़ने पर और अधिक राखियां गौठानों में तैयार कराया जाएगा। 30 हजार राखियां हम लोग बना के बेचेंगे। पिछले साल लगभग 18 हजार राखी का बिक्री हुआ था और समूह के माध्यम से जो राखी बन रही है इससे समूह वालों को रोजगार भी मिल रहा है। कि विशेष राखी बनाया जा रहा है जो एक मतदान के जागरूक के मतदान जागरूकता के लेके है। बहुत सारे लोग हैं जो मतदान को लेके जागरूक नहीं है, तो राखी के माध्यम से उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो नए मतदान के लिए नए पीढ़ी सामने आ रही है उनको जागरूक करने के लिए इस राखी के माध्यम से उन्हें एक संदेश दिया जा रहा है कि मतदान अवश्य करें। जिला बलरामपुर रामानुजगंज में महिला स्वसहायता समूह के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई गई हैं, बट उसमें जिसमें खास करके जिसको हम मेंशन करना चाहेंगे वो है चुनई चिड़ई की थीम पे, जो कि स्टेट का हमारा लोगो भी है मतदान के लिए जागरूकता के लिए, उसकी थीम पे हमने जो है वो महिला स्वसहायता समूह के द्वारा जो है वो राखियाँ बनाई गई हैं ताकि मतदाता जो है वो जागरूक हो सकें और अपने चुनावी मताधिकार का प्रयोग करें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बहरहाल एक तरफ जागरूकता तो दूसरी ओर आर्थिक मजबूती, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ अब महिलाओं को सीधा मिलने लगा है। रफ्तार मीडिया के लिए बलरामपुर से रॉबिट गुप्ता की रिपोर्ट।